गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने स्टार्ट किए थे और स्टार्ट करने के बाद हम उनके ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पीज पर डिस्कशन कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है या किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट वो पजेस करते हैं? देखिए, एक प्रोमिनेंट फीचर तो डी ब्लॉक एलिमेंट का वो ये है जिसके लिए दे आर वेरी फेमस एंड दे आर वेल नोन, दैट इज ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रेट वेराइटी मतलब ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जनरली जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट की आप बात करें, एस ब्लॉक के मेटल की बात करें तो ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनकी बात करें अल्कली अर्थ मेटल की, इसी के ग्रुप की, तो ये प्लस टू दिखाते हैं। अल्कली मेटल प्लस वन, ये प्लस टू, ये फिक्स है इनका। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी। लेकिन पी ब्लॉक की देखें तो आप पी ब्लॉक में भले ही वैरायटी दिखाते हैं लेकिन जितनी वैरायटी ये एलिमेंट दिखाते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं, उतनी वैरायटी कोई नहीं दिखाता। आप जैसे आप देखिए स्कैंडियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, टाइटेनियम तीन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वेनेडियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, क्रोमियम प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, मैंगनीज प्लस टू से लेकर प्लस सेवन तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन प्लस टू से लेके प्लस फोर और फिर एक प्लस सिक्स। हालांकि जब फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और प्लस थ्री है, इसकी प्लस फोर यूजुअली नहीं मिलती है देखना, पर दिखाता है कुछ कुछ कंपाउंड्स में। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तीनों, निकल प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तीनों, कॉपर प्लस वन प्लस टू और जिंक ओनली प्लस टू। तो आप इसमें पैटर्न देख पा रहे हैं, वो पैटर्न ये है कि जैसे जैसे एनएस और एन माइनस वन डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं कहां तक, मैंगनीज तक। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का तो आपको मालूम है 3d1, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 सॉरी 4s1 3d5 और जबकि मैंगनीज का है 4s2 3d5। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पे, क्रोमियम में। तो क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 6 की 6 दिखाता है, और मैंगनीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है पर 5 के साथ ही एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाते हैं दो पार्ट में, तो प्लस 6 और प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। तो मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है कोई इस ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो वो इस सीरीज का, तो वो है मैंगनीज 3D सीरीज का। उसके बाद आयरन तक आने में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जा रही है। आपको ये टेबल देख के समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा पा रहा है, मैंगनीज। मतलब मैंगनीज के साथ दोनों है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंगनीज दिखा रहा है, दैट इज प्लस 7, और हाईएस्ट नंबर ऑफ या वैरायटीज ऑफ और मोस्ट वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है, वो भी मैंगनीज दिखा रहा है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंगनीज इसका आंसर है। इसके कंपाउंड Mn2O7 है, मैंगनीज का जो ऑक्साइड है Mn2O7, ये दिखाता है आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7, जैसे बहुत से कंपाउंड है। तो द ओनली एलिमेंट विच शोज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज, द ओनली एलिमेंट विच शोज ओनली प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द एलिमेंट विच शोज ओनली प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो केवल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऐसा नहीं प्लस 3 तो सभी दिखा रहे हैं पर केवल प्लस 3 दिखाता है वो स्कैंडियम। स्कैंडियम डज नॉट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, द एलिमेंट विच शोज ओनली प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिंक। जिंक वो एलिमेंट है जो सिर्फ प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। द एलिमेंट विच शोज द ओनली एलिमेंट विच शोज प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ओनली का अंतर देखिए आप कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा है, तो द ओनली एलिमेंट विच शोज प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर, वो एलिमेंट है जो सिर्फ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद रखें कि कौन कौन से एलिमेंट को किस किस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपने देखी होगी, जैसे आप नाइट्रोजन की बात करें पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन ग्रुप की अपन बात कर ले तो नाइट्रोजन प्लस 3 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। फास्फोरस भी ऐसे ही दिखाता है, फास्फोरस प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन जो डी ब्लॉक की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, इस सभी इन सभी की बात करो, ऑक्सीजन की प्लस 2 प्लस 4
प्लस सिक्स, इस फैमिली के मेंबर इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। सल्फर एस एफ सिक्स दिखाता है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर एस एफ फोर एस एफ टू, तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स। फ्लोरीन वाले ये माइनस वन, हेलोजन जो देख रहे हैं माइनस वन या प्लस वन से स्टार्ट करो तो प्लस वन माइनस वन तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले मेंबर है वो प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इनमें और इनमें अंतर क्या है? पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही, ये एक इसकी नाइट्रोजन फैमिली की, ये ऑक्सीजन फैमिली की, ये हेलोजन फैमिली। तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली डिफर करती है वो यूनिटी से डिफर करती है। कैसी? यूनिटी से। एक नंबर का अंतर है पांच में से, सॉरी दो नंबर से, दो से डिफर करती है। जबकि जैसे पांच और तीन में दो का अंतर है, पांच और सात में दो का अंतर है, दो और चार में दो का अंतर है, चार और छह में दो का अंतर है, एक और तीन में दो का अंतर है, तीन और पांच में दो का अंतर है, इस तरह से ये दो से डिफर करती है। लेकिन अब जब बी ब्लॉक पे गौर करते हैं तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करती है वो एक से करती है। तो बी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर ये है कि ये एक यूनिटी से डिफर करती है जबकि ये दो यूनिटी से डिफर करती है। तो ये ध्यान रखें, पी ब्लॉक से इसका ये फीचर प्रोमिनेंट है। दूसरी बात, हमने ये बोला था पी ब्लॉक में कि व्हेन वी मूव टू हायर मेंबर्स, तो हायर मेंबर में क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल आती है। मतलब हायर मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट फेवर्स द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब नीचे जाने वाले मेंबर, जैसे यहां पर नाइट्रोजन के मेंबर जो होंगे, नाइट्रोजन का तो प्लस पांच वाला कंपाउंड स्टेबल होगा, लेकिन नीचे जाते जाते बिस्मत तक इसका प्लस पांच वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हायर मेंबर फेवर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में हायर मेंबर फेवर्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक में इसका उल्टा होता है। जो ज्यादा हेवी मेंबर है, जैसे नीचे वाला आयरन के नीचे वाले, मैंगनीज के नीचे वाले, ये क्या करते हैं, हेवियर एलिमेंट फेवर्स हेवियर ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, तो ये दो प्रोमिनेंट फीचर हो गए, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो यूनिट से डिफर करना, दूसरा हायर मेंबर फेवर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि पी ब्लॉक में इसका उल्टा था। तीसरा फीचर ये है इसका कि अनलाइक द पी ब्लॉक एलिमेंट दे कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू जीरो। ये कुछ कंपाउंड में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे? अभी आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पर ये जो कार्बोनाइल्स होते हैं, कार्बोनाइल क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। कार्बोनाइल बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड है विच कैन डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर सकता है। तो मेटल को जब ये कार्बोनाइल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, देन वी से दैट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर रहा है, इसमें बेसिकली कार्बन डोनेट कर रहा है मेटल। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोनाइल। चूंकि कार्बोनाइल पर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई मेटल रिमेन्स न्यूट्रल। मेटल पर भी कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए अपन बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की कार्बोनाइल्स में क्या होती है, जीरो। तो ऐसे निकल के कार्बोनाइल मिलते हैं आपको, इसमें निकल के कार्बोनाइल में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, आयरन के कार्बोनाइल मिलेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, जीरो। तो इस तरह से इन कार्बोनाइल्स में भी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, जो कि पी ब्लॉक में आपको नहीं मिलती। तो ये प्रोमिनेंट फीचर है कुछ जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। अब आइए आगे देखते हैं, ट्रेंड्स इन एम टू प्लस एम स्टैंडर्ड पोटेंशियल। चलो रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड देखते हैं। बेसिकली अब आपको बता दूं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। रिडक्शन पोटेंशियल जब कोई एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब किसी इलेक्ट्रोड का, किसी मेटालिक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होता है, उसकी मेटल आयन का या मेटल एटम का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। ये देखिए, जैसे कोई एम प्लस प्लस कोई मेटल है, इस मेटल की आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस होने में जितना वोल्टेज कंज्यूम करेगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसको उसका बोला जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड। इसको ई स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज ए टाइप ऑफ वोल्टेज, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्या होता है, हमने सभी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल को
मेजर किया। जरा आप इस कर्व पे गौर करेंगे। अच्छा, इस कर्व को बताने के पहले मैं कुछ चीज़ें बेसिक बता दूं आपको। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे अपन, तो आप देखते हैं कि एक इस डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता माइनस एन एफ ई, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच आर गोइंग टू ट्रांसफर इन अ रिएक्शन। जैसे यहाँ पर दो मोल हो रहे हैं ट्रांसफर, एक मोल आयन के मेटल आयन के रिडक्शन के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो यहाँ पर दो। फेराड इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ी चुके होंगे, फेराड 96,500 कूलम फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, और ई स्टैंडर्ड वहाँ का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो डेल्टा जी जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। और अपन जानते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगी जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। और कोई प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी जीरो है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, और वो प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, एक और चीज, जो डेल्टा जी अगर जिस किसी प्रोसेस के लिए पॉजिटिव इसका मतलब वो प्रोसेस जैसी लिखी है वैसी नहीं होगी, वो उसकी उल्टी हो सकती है, क्योंकि उसकी उल्टी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा मतलब रिडक्शन की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब कोई मेटल आयन इलेक्ट्रॉन अपने आप लेंगी। कब? जब उसका ई स्टैंडर्ड पॉजिटिव हो। ये ध्यान रखना, ई स्टैंडर्ड पॉजिटिव मतलब रिडक्शन को फेवर करता है, खुद को रिड्यूस कर लेगा कोई मेटल है। और अगर नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय क्या करेगी, देना पसंद करेगी। तो दिस इज व्हाट द मेटल इज नोन फॉर। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है। कब करती है? जब उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप साइन स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, आप इनका रिडक्शन पोटेंशियल देखें। अच्छा, एक और चीज, जनरल पैटर्न आप प्रेडिक्ट करेंगे जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं, जैसे जैसे आप पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, अब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही वो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी दिखाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नेगेटिव होता जा रहा है, लेस नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसको जरा इत्मीनान से घर बैठ के सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा एकदम से। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, और जितना कम होता जाएगा उतनी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर मोर नेगेटिव है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा है। इसलिए ये मेटल फटाफट इलेक्ट्रॉन देती है, टाइटेनियम जल्दी देता है, उससे थोड़ा देर से वेनेडियम, उससे देर से क्रोमियम, और मैंगनीज का तो ग्राफ नीचे आ जाता है। मैंगनीज बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल कॉन्फिग्रेशन, देखा है ना अपन ने, मैंगनीज के पास होते हैं 4s2 3d5, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ज़्यादा आसानी से देता है 4s2 3d5, ताकि ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन अटेंड कर ले, 3d5 स्टेबल कॉन्फिग्रेशन अटेंड कर ले, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ज़्यादा निगेटिव हो जाता है इसका जो एक्सपेक्टेड है उससे। हालांकि एक्सपेक्टेड भी यही किया था उसके कॉन्फ़िगरेशन से। इसके बाद यहाँ आती है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू आयरन और उसके केस में। तो आयरन तक तो ठीक है, आयरन की फिर लेस नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब इसमें टेंडेंसी कम है, क्योंकि आयरन की साइज छोटी होती जा रही है। यहाँ पर कॉपर और कोबाल्ट और निकल की होती है, तो कोबाल्ट और निकल का आपको इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मेन जो चीज़ आती है वो होती है इस एलिमेंट की, जो है कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आप देख रहे होंगे वो कहाँ पर पहुंच गया, सभी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नीचे है, मतलब सभी नेगेटिव था, जीरो से नीचे था, बेस लाइन जीरो इससे नीचे था, इसका मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है। लेकिन कॉपर का जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये दिखाता है कि कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब कॉपर में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। अभी तो बोला ना रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, ये वाली जो लिखी है, रिडक्शन की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। और रिडक्शन की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बजाय आयन क्या करेगी, लेना पसंद करेगी। तो कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिखाता है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन देने की बजाय लेना पसंद करती है, इसीलिए सॉल्यूशन में Cu++ आयन स्टेबल नहीं रहती, वो क्या रहेंगी, Cu++ आयन तुरंत इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Cu सॉलिड में। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि कॉपर एक तो हाइड्रोजन सभी एसिड्स के साथ लिबरेट नहीं करती, जनरली सभी मेटल क्या करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी है मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन विथ एसिड्स, पर कॉपर सभी एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करती, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ करती है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से, नाइट्रिक एसिड हुआ HNO3, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ भी कर सकती है। तो इन्हीं एसिड्स के साथ कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट करती है, अदरवाइज ये नहीं करती।
अब ऐसा क्यों है, क्यों ये क्या रीजन है इसका कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये पॉजिटिव है? तो इसका बेसिक रीजन ये है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन मान लो देता तो है Cu++, तो ये इसमें एनर्जी बहुत लगती है, हाई एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन लगती है अपनों को Cu++ बनने। अब क्या होता है जब Cu++ बनता है और एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर इसको कॉम्पनसेट कर सकती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जब कॉपर आयन पानी में मिलेगी तब जो एनर्जी लिबरेट होगी, तो अगर वो एनर्जी ज्यादा होती तो इस एनर्जी को कॉम्पनसेट किया जा सकता था, लेकिन वो एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो कॉपर की होती है वो बहुत कम होती है। तो कॉपर की जो हाई एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन है वो हाई एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड बाय दिस लो हाइड्रेशन एंथैल्पी या लो वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इसीलिए कॉपर Cu++ के फॉर्म में नहीं रहता। अगेन अगर Cu++ बन भी जाता है तो वापस से Cu++ क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Cu सॉलिड बन जाता है। दैट्स व्हाई द कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। तो ट्रेंड्स इन M3+ M2+ अपन ये डिस्कस नहीं करेंगे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी वाला टॉपिक जरा गौर करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, तो ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स टाइटेनियम के सॉरी टेट्रा हेलाइड्स में अचीव की जाती है, जैसे क्रोमियम का एक मिनट में लिख देता हूँ। सो ऑक्सीडेशन ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो टाइटेनियम के टेट्रा हेलाइड मिलते हैं, सभी तरह के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, वेनेडियम के सिर्फ फ्लोराइड मिलते हैं, क्रोमियम के सिर्फ फ्लोराइड और मैंगनीज के ऑक्सी फ्लोराइड मिलते हैं MnO3F, मतलब अकेला हेलाइड तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ऑक्सीजन के साथ पॉसिबल। तो बियॉन्ड मैंगनीज नो मेटल हैज अ ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट Fe3। मैंगनीज के बाद किसी भी मेटल का ट्राई हेलाइड नहीं है, सिर्फ Fe3 और CoF3 कोबाल्ट का भी फ्लोराइड मिलता है। और इसका मतलब फ्लोराइड ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर रहा है, जैसे क्रोमियम में कर रहा है, मैंगनीज में +7 को कर रहा है, हालांकि यहाँ ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन की ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की जो टेंडेंसी है, या तो ये हाई लेटाइस एनर्जी के कारण है, लेटाइस एनर्जी जो क्रिस्टल बनता है उसकी हाई लेटाइस एनर्जी के कारण है, जैसे इनकेस ऑफ CoF3 कोबाल्ट के ट्राईफ्लोराइड में होता है, या हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कारण है, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड जैसे VF3 और CrF6 में होता है। तो ये याद रखना कि फ्लोरीन की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी या तो हाई लेटाइस एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कारण। एक और चीज, फ्लोराइड्स की और खासियत यह है कि उनकी इंस्टेबिलिटी होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये फ्लोराइड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल होते हैं लेकिन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं, जैसे कॉपर के कंपाउंड जो CuX होते हैं उस पर भी ये बात अप्लाई होती है CuX में। तो CuX में Cu2 हैलाइड्स तो नोन है, लेकिन सिर्फ आयोडाइड की बात छोड़ दें, आयोडाइड नोन नहीं होता, बिकॉज आयोडाइड अगर बन भी जाता है तो वो Cu2I2 में बन जाता है। जैसे मान लो कि कॉपर का आयोडाइड है, कॉपर टू कंपाउंड की बात कर रहा है, कॉपर टू, तो Cu इसको जब आप आयोनाइज करते हैं Cu I2 को, तो Cu I2 को जब आप आयोनाइज करेंगे तो Cu और 2I ये रहेंगे, तो इसमें क्या होता है ये बना लेता है Cu2I2 और आयोडीन लिबरेट कर देता है। तो इस तरीके से ये कॉपर के जो प्लस वाले कंपाउंड है ये Cu आयोडाइड के केस में Cu+2 से +1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को इस केस में फ्लोराइड स्टेबल नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि अगर जो बहुत सारे कॉपर वन कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी बात करें, ये सिर्फ आयोडाइड के लिए ही है, दूसरे हैलाइड के लिए नहीं है। कॉपर के +1 के आयोडाइड स्टेबल हो सकते हैं लेकिन दूसरे कंपाउंड की बात करें तो उनके +1 वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। क्यों स्टेबल नहीं होते, क्योंकि देखिए वैसे तो ये कंपाउंड जनरली कोवेलेंट होते हैं क्योंकि आयोनाइज नहीं होता, कौन सा Cu2I2, लेकिन जब दूसरे हैलाइड की बात करें तो आयोनिक होते हैं और उनको आप जब आयोनाइज करेंगे तो Cu+ आयन मिलती है सिंगल हैलाइड को, जैसे CuX की बात करें। तो जब आप इनको आयोनाइज करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, ये डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है इनका, ये डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है +2 में और 0 में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि Cu+ जैसे ही पानी में जाता है तो इसका हाइड्रेशन होता है, और इस हाइड्रेशन दो कॉपर आयन के जो हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी, दो Cu+ आयन के हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी इस एक कॉपर आयन को और आयोनाइज कर सकती है, इसलिए एक कॉपर तो हो जाता है रिड्यूस और एक हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो ये बेसिकली इसकी
सफिशियंट लो नेगेटिव सफिशियंट नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण फटाक से सी यू प्लस बन जाता है। तो जैसे ही पानी सी यू प्लस प्लस बन जाता है, जैसे ही पानी में कॉपर आयन गई, सी यू प्लस आयन गई, सी यू प्लस आयन जाएगी और पानी के कॉन्टेक्ट में आती है, एनर्जी लिबरेट करेगी और एनर्जी रिलीज जैसे होगी उस सी यू प्लस आयन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उस एनर्जी का यूज करके उसे एक इलेक्ट्रॉन और लेके सी यू प्लस प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाते हैं बहुत सारे कॉपर वन कंपाउंड। एक और चीज, इसका जो स्टेटमेंट है इसको पढ़िएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ सी यू प्लस एक्वस रेदर देन सी यू प्लस प्लस, सी यू प्लस प्लस एक्वस रेदर देन सी यू प्लस इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये इससे ज़्यादा नेगेटिव, और इसी हाइड्रेशन जैसे ही बनती है और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है वो जो एनर्जी है इसको दे दी जाती है और फिर इससे आयन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, विच इज मोर देन कॉम्पनसेट फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी जरूरी लगती है उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबिलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मिलती है आपको ऑक्साइड्स में। जैसे मैंने आपको बोला मैंगनीज का Mn2O7 मिलता है, मैंगनीज का कोई फ्लोराइड नहीं है अकेला, लेकिन मैंगनीज का ऑक्साइड मिलता है, मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो अच्छा, ये चीज आपसे पूछते हैं कि वाई मैंगनीज हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज स्टेबिलाइज बाय ऑक्सीजन नॉट बाय फ्लोरिन। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि ऑक्सीजन एक्स की जो टेंडेंसी है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलाइज करने की वो एक्सीड कर जाती है फ्लोरीन से। तो ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा अच्छे से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलाइज कर सकती है बजाय फ्लोरीन के, फ्लोरीन से जब अपन इसका कंपैरिजन करते हैं तो फ्लोरीन क्यों नहीं कर सकती और ऑक्सीजन क्यों कर सकती है? इसका एक सिंगल वर्ड का आंसर है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन आप जानते हैं डबल बॉन्ड बना सकती है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, पर फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हाई ऑक्सीजन हैज अ मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन फ्लोरीन। तो इसका सिंगल आंसर है बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये आपका हो गया, कल अपन केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे, तो आप जरा इसके गौर से पढ़ें इस पैरा को, ऑक्सीडेशन स्टेट को, तब आपको समझ में आएगा। और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें कि मैं क्या बोला हूँ। थैंक यू।